अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिनिशू। आवाज़ मेरी गूंज रही है इस घर में क्योंकि ये बिल्कुल खाली हो चुका है, ऊपर पोर्शन है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा डेकोर ऑर्गेनाइज और आप लोग से शेयर करूँगी। झूठे वादे पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो है वो खचा खच भरा हुआ था, चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रहती थी बच्चों की वजह से। इंशाल्लाह होंगी और आप लोगों को दूंगी मैं हाउस टूर बहुत जल्दी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो जो मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कर लीजिए सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बेल जो है वो कर लीजिए प्रेस, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने से ही आपको मेरी नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। अक्सर लड़कियां कहती हैं नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलती, वो सिर्फ और सिर्फ घंटी ना बजाने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो भाई सब्सक्राइब के साथ जो साथ वाला बेल है छोटू सा, उसको कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बच्चों की वजह से दिमाग कर गया नहीं मेरा, उस घंटी को कर लें प्रेस। सो भाई आज की जो वीडियो है इट्स नॉट हाउस टूर। बेसिकली गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और मेरी तरह बहुत सारी माएँ हैं जो कि चीज़ें लेना चाहती हैं अपने बच्चों के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए, जैसे कि अदन हो गया और अनाबिया हो गई। बीच वाला बच्चा जो है वो बेचारा मेरी हिब्बा, उसको पिछले साल के कपड़े भी आ जाते हैं, लेकिन अदन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 10 साल का है लेकिन उसको 13-14 साल का साइज़ आता है, और अनाबिया बेचारी तो यू नो 6 माह की है, तो उसको नए नए कपड़े मिलते हैं। सो आज मैं आप लोग कुछ लेके जाऊंगी, कुछ ब्रांडेड कुछ लोकल सामान खरीदेंगे बच्चों के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो लेट्स गो। 4K में और HD में क्या फ़र्क है भाई? दिस इज़ 4K और पहली वाली वीडियो जो थी वो HD में थी, तो क्या फ़र्क है भाई दोनों में? लेट मी नो दोनों की क्वालिटी, विच क्वालिटी इज़ गुड। यहाँ पे मुझे पिंपल निकला है, क्या कर सकते हैं, गर्मियों की शुरुआत पिंपल के साथ। अरे वाह, यहाँ की लाइट्स अच्छी है। सो सबसे पहले हम अनाबिया को वैक्सीनेशन के लिए लेके गए एंड वी आर डन। अनाबिया को 3 इंजेक्शन लगे थाइस पर। अनाबो टिक्की लगी है, टिक्की लगी है, टिक्की कहो कल परसों पता लगेगा जब मुझे सख्त टेम्परेचर होगा और मामा जो है ना वो 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं होगी मेरे से। अच्छा तो इस गली में है मेरे दर्जी साहब जो कि मेरे कपड़े देने से बिल्कुल कासिर हैं। कैसे बंद है? हाउ डू यू नो लॉक लगा हुआ? अल्लाह पूछे आपको अकील भाई। मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया, हफ्ता क्या 2 हफ्ते हो गए कपड़े दिए हुए हैं, और मैंने एक लुक क्रिएट करनी थी उसके लिए मैंने दर्जी को कपड़े दिए थे, अकील भाई को। भाई अकील भाई किधर है? आज आज तुम्हारा नाप करवाती हूँ मैं, ये 2 सूट भी देने आई थी मैं। अच्छा सो मैंने ये 9 लाइन से लॉन मंगवाए थे 2 सूट, लेकिन शुक्र है कि इनका कलर बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया था। ईच कॉस्ट मी 5000 समथिंग, आई एम नॉट श्योर, लेकिन नहीं 4750। सो इसके साथ सिल्क के दुपट्टे थे, लेकिन वो बहुत ही मज़े के प्योर सिल्क के दुपट्टे नहीं थे, बहुत ही अकड़े से सिल्क के दुपट्टे थे। अब बहुत से लोग कहेंगे धोगी तो ठीक हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो। ये दिखते कुछ इस तरह से थे, बहुत प्यारे कलरफुल, लेकिन अगर थोड़ी सी सॉफ्ट होते ना तो मज़ा आ जाना था। अच्छा मम्मा बाज आ जाओ, मम्मा बाज, मम्मा बाज, आ जा ला जा ला जा ला जा ला जा ला जा। अच्छा अभी मैं आई हूँ मॉल, और यहाँ पे आउटफिट इस पर 25% फ्लैट ऑफ लगी है, तो पहले वहाँ जाऊँगी, वहाँ से कपड़े लूँगी, वहाँ पर कुछ अच्छा ना मिला तो फिर बस्ती जाऊँगी। बस्ती में एक शॉप है जहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिलते हैं, मैंगो ज़ारा वगैरह के, वहाँ का विजिट भी कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है ये रहा आउटफिटर। थोड़ा छोटा है अभी भी, इससे बड़ा साइज मिलेगा? ये 78 इयर्स। हाँ जी ये दे देंगे, ले लो ये वाला कर दें। इसकी क्या है अच्छा तो अगर आपको बच्चों के लिए बहुत ढके छुपे कपड़े पसंद हैं तो इसमें 1-2 आर्टिकल्स थे जो कि लॉन के थे, पीजेस भी थे बहुत प्यारे प्यारे। मेरे ख़्याल से इसकी कॉस्ट 4000 थी एंड सेल के बाद
बाद कुछ थ्री, जैसे कि यहाँ पर एक डिज़ाइन है, ये ग्रीन शर्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये आप घर में भी बनवा सकते हो। देखिए भाई, सिर्फ गले में फ्रिल्स हैं, बाजू में फ्रिल्स हैं एंड वेस्ट साइड पे फ्रिल्स हैं, दैट्स इट। फ्रिल्स या इलास्टिक बोल सकते हैं। देन ये कुछ फ्रॉक्स वगैरह थी, और छोटे बच्चों की वैरायटी बहुत अच्छी थी, मतलब कि 3 महीने से ऑनवर्ड डिज़ाइंस बहुत प्यारे प्यारे थे फ्रॉक्स के, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव थे। नया पाकिस्तान सबको मुबारक, ऑब्वियसली महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई और हर एक चीज़ का रेट जो है वो आसमानों से छू रहा है, बातें कर रहा है। बट खैर, मैंने कुछ चीज़ें नाबिया के लिए ली और कुछ हिबा के लिए, जो कि मैं आगे आप लोग को दिखाती हूँ। किधर फ्लैट है ये? पुराना लगा हुआ है, पुराना। अच्छा जी, तो अगर आप वाकेंड में रहते हैं तो आपको बस्ती का पता होगा, और अगर बस्ती का पता है तो फिर आपको गोल मार्केट का पता होगा, और अगर गोल मार्केट का पता है और ये है शहर गारमेंट्स, इसका नहीं पता होगा तो मैं बता रही हूँ। इसमें लेफ्ट ओवर्स तो नहीं कह सकते, बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि H&M हो गया, ज़ारा हो गया, मैंगो हो गया, उनका जो स्टॉक रह जाता है तो वो बेसिकली डिफरेंट शॉप्स में सेल होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको H&M भी मिलेगा, ज़ारा भी मिलेगा, मैंगो भी मिलेगा, लेकिन बहुत कम दामों में, और बिल्कुल असली चीज़ें होती हैं वो सिर्फ फैक्ट्री आउटलेट्स से जो हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं वो सैंपल्स। उसमें थोड़ा बहुत कोई डिफेक्ट वगैरह होता है, ऐसा देखने से पता भी नहीं लगता कि कोई डिफेक्ट है भी। तो मैंने ये वाली जीन्स ली, उफ़ बहुत हसीन, इसका मटेरियल इज़ सो कम्फर्टेबल, मतलब गर्मियों में जीन्स बहुत मुश्किल से पहनी जाती है, तो ये बहुत अच्छी थी। 600 रुपीज़ की शर्ट्स सारी, 600 रुपीज़ की जीन्स सारी, 600 रुपीज़ की, ठीक है। जो फ्रॉक्स थी 700 की, और यहाँ पे लड़कों के लिए भी, बच्चों के लिए, न्यू बॉर्नस के लिए भी, लड़कियों के लिए भी सब कुछ मौजूद था। तो आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, इट वॉज़ जस्ट अ व्लॉग, तो आई थॉट लेट्स शेयर इट विथ यू गाइस। एक ही हो गई, पर ये साइज मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। अब क्या खरीदे बंदा, ये तो मेरे पास है, ये तो मैं लेके गई थी। आई थिंक आई विल गो फॉर दिस वन, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, इससे बड़ा है। हाँ बड़ा, हाँ जी दे दे।